जीएसटी केंद्र सरकार का कर प्रदेश सरकार क्यों मार रही है छापे, इस बार खबर है करहल से। मंगलवार को दोपहर के समय करहल आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के बारे में यह कहते हुए बड़ा हमला किया कि जीएसटी तो केंद्र सरकार कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को तो इसमें व्यापारियों के खिलाफ कोई भी अच्छी अब नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब व्यापारी वर्ग वैसे भी परेशान है, अब प्रदेश की भाजपा सरकार जीएसटी के नाम पर व्यापारियों के संस्थानों पर छापे डलवाकर परेशान कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने जीएसटी के छापे डलवाकर 72 घंटे के लिए बंद कराए हैं। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सभी जगह निकाय चुनाव सपा का सिंबल नहीं देंगे, पार्टी की रणनीति के तहत तय किया गया है किस किस जगह निकाय चुनाव पार्टी का सिंबल देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। इस समय प्रदेश सरकार के बहुत से मंत्री विदेश दौरे पर हैं, वह चाहते हैं कि प्रदेश सरकार भी डॉलर की व्यवस्था करे, मगर यह भी होना नामुमकिन है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आर्थिक रूप से परेशान है, केंद्र सरकार इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, यही वजह है कि यहाँ जीएसटी के छात्र डलवा कर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि छापामार कार्रवाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जिस व्यापारी के यहाँ छापा पड़ता है थोड़ा बहुत दिखाने के बाद उस व्यापारी से अधिकारी अलग से भी वसूली करते हैं। निकाय चुनाव के आरक्षण में भी बहुत कुछ मंत्रियों और कुछ अधिकारियों की मनमानी हुई है। बताते चलें कि संपन्न होने जा रहे निकाय चुनाव में पार्टी का सिंबल देखकर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की लड़ाए जाने के बारे में पूछने पर कहा कि पार्टी की रणनीति के तहत पूरे प्रदेश पर सिंबल देखकर प्रत्याशी नहीं लड़ाए जाएंगे, जैसी जहां व्यवस्था होगी उसी के हिसाब से प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी का सिंबल देकर निकाय चुनाव में उतारा जाएगा। अभी हाल में ही संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी संसद क्षेत्र से सफलता मिलने पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिंपल यादव की जीत से साबित हुआ है कि लोगों में भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादियों की भारी बीज होगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री मैनपुरी के सपा जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, डॉक्टर धीरज यादव, पूर्व सांसद सनी यादव, पूर्व MLC अरविंद प्रताप यादव, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद यादव, MLC मुकुल यादव, ब्रज कुमार यादव आदि मौजूद रहे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं दिवंगत महेश चंद्र भारती जैन आवास पर भी शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। मुझे याद है जिस समय व्यापारियों ने मुझे मैसेज किए और व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा कि जीएसटी के बहाने ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता, व्यापारी का उत्पीड़न होता और साथ ही साथ नए रूप का ही भ्रष्टाचार को जन्म देता। और आप जानकारी कर लीजिए, जहां भी छापा पड़ा है वहां भ्रष्टाचार अगर शामिल नहीं है तो बताइए। समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छापे की रोक लगाई है। जिस तरह से निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने रोक लगाई, क्या लगता है कि आनंद फानंद ने आरक्षण घोषित किया गया? आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे, पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला, जो SC ST समाज है उसके जो आरक्षण होता उनको नहीं मिला, जाने कितने रूप में भेदभाव किया इन्होंने। अपने लोगों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये सरकार ने भेदभाव किया और नगर निकाय से सरकार भाग रही है। क्यों? डेंगू वहीं फैल रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है। डेंगू की बीमारी, मच्छर, गंदगी, कूड़ा वहीं पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं या नगर पालिका के अध्यक्ष हैं या मेयर हैं। आप देख लीजिए, गोबर पड़ा हुआ है हर जगह, लोगों के पैर फिसल रहे हैं। अभी हम एक परिवार से मिलने गए, एक व्यापारी बाहर निकल गया है, गोबर पे पैर फिसल गया होता। ये सड़कों पे जानवर कौन घुमा रहा है? शहरों की सीमा में नहीं होने चाहिए जानवर, आखिर क्यों घूम रहे हैं ये सांड बाबा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के ही सब चेयरमैन है ज्यादातर। 2024 को लेकर क्या तैयारी चल रही है? मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है। मैं एक बार फिर मैनपुरी के सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। मैनपुरी की जीत ने और यहाँ के मतदाताओं ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। थैंक यू।